सवा लाख दर्शकों के सामने पाकिस्तान बस्ट, भरभराई बल्लेबाजी, 200 रन भी नहीं बना पाई पाकिस्तानी टीम। बाबर रिजवान को छोड़कर नहीं चला कोई दूसरा बल्लेबाज। 5 का दोहरा दबाव, कुशल भारतीय गेंदबाजों ने दो दो विकेट लेकर समेट दिया पाकिस्तान को सस्ते में। झूम गए दर्शक, नहीं चली पाकिस्तान की रणनीति, अब गेंदबाजी में दिखाना चाहेगा पाकिस्तान दम। पाकिस्तान पस्त, अहमदाबाद की जनता है मस्त, 1.25 लाख दर्शक, उनके बीच 11 पाकिस्तानी और 11 हिंदुस्तानी, खूब दिखाया दोनों टीमों ने जोर, पाकिस्तान ने किया मजबूत शुरुआत, तो लक्ष्य शुरुआत में नजर आने लगा था 300 के पार, पर कहते हैं ना क्रिकेट है कभी भी बदल जाते हैं जज्बात, बस वही हुआ, पाकिस्तानी बल्लेबाजी ऐसी भड़बड़ाई की, 200 रनों के स्कोर को भी नहीं छुपाई, इधर दर्शक झूमते रहे, तालियां बजती रही, भारत माता के जयकारे लगते रहे। आज के मैच की समरी बताएं तो पाएंगे, पहले 2 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 20 के पार था, सिराज पिटे, बुमराह भी बहुत असरकारक नहीं दिखे, तब लगा आज बड़े स्कोर पर जाएगा मैच, पूरे 100 ओवर खेलेगी दोनों टीम मैच, लेकिन फिर सिराज ने अपने तीसरे ओवर में पूरा गेम पलट दिया, पहला विकेट चटक कर पाकिस्तान को झटका दिया, मगर पाकिस्तानी टीम संभाल कर खेलती रही, पहले 10 ओवर में एक विकेट गिरा, फिर अगले 10 ओवर में एक और विकेट गिरा, यहाँ रिजवान और बाबर ने बढ़िया साझेदारी बनाई, रिजवान और बाबर अटैकिंग मोड में थे, कप्तान बाबर आजम ने अर्धशतक बनाया, लेकिन 50 ठोकते ही वह बोल्ड हो गए, अब 30 ओवर तक 3 विकेट थे, मगर अब तक पूरा गेम पाकिस्तान के कंट्रोल में था, बाउंड्री लग रही थी, स्कोर बोर्ड पर रन तेजी से बढ़ रहे थे, अब तक ऐसा लग रहा था कि टारगेट 300 से कम तो नहीं होने वाला है, लेकिन जैसे 4th विकेट पूरा गेम पलट गया, इसके बाद पाकिस्तानी बल्लेबाजी उभर ही नहीं पाई, 150 रन के बाद बाबर आउट हुए थे, इसके बाद रिजवान 48 के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए, फिर कोई पाकिस्तानी बल्लेबाज खड़ा ही नहीं रह सका, अगले 40 रन के अंदर पाकिस्तान ने 6 विकेट गंवा दिया, 191 रन पूरी पाकिस्तानी बल्लेबाजी सिमट गई। वही गेंदबाजी की बात करें तो जडेजा, कुलदीप, बुमराह, सिराज और हार्दिक, इन 5 गेंदबाजों ने आपस में विकेट का बराबर बंटवारा किया, 5 गेंदबाजों ने पांडो वाली भूमिका निभाई और सभी ने 2-2 विकेट चटक कर पाकिस्तान को 200 रन से कम पर ही चलता कर दिया, 42 ओवर में ही पाकिस्तानी टीम पवेलियन लौट गई। जैसा कि रिजवान और बाबर ने भी बोला, भारत पाकिस्तान का मैच मानो फाइनल खेला जा रहा हो, कुछ यही उत्साह मैदान से लेकर स्टेडियम के बाहर और पूरे हिंदुस्तान में दिखा, अब देखना है भारतीय बल्लेबाजी लक्ष्य को बौना साबित कर देती है या पाकिस्तानी गेंदबाज मुश्किल खड़ी करते हैं और एक छोटा सा स्कोर भी पहाड़ लगता है। इस बीच खुशी की बात तो यह है कि ओपनिंग करने शुभमन गिल आ रहे हैं और बाकी टीम अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई टीम की तरह ही है, तो चलिए अब एंजॉय करें भारतीय बल्लेबाजी का।